छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव के अंतर्गत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया, जहां कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम में तेजी लाएंगे और आम जनमानस को वोटिंग के लिए प्रेरित करेंगे। लोकसभा निर्वाचन की तैयारी प्रारंभ हो गई है। जो हमारे ईवीएम्स हैं उनकी फर्स्ट लेवल चेकिंग का कार्य चालू है और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जो हैं वो की जा रही हैं। अब इसके लिए हम लोग अभी स्वीप का कार्यक्रम बना रहे हैं और कल से हमारे स्वीप के कार्यक्रम सभी जगहों पर चालू हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को जागरूक करेंगे कि लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वो वोटिंग करें। हमारा तो टारगेट ये रहेगा कि सभी लोग वोटिंग करें, लेकिन अभी लोगों के ऊपर भी कई बार निर्भर रहता है, तो हम तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। सर 18 साल और 19 साल के कितने मतदाता आपने बढ़ाए हैं इस वर्ष सर, और 80 से ऊपर वालों को कितने बढ़ाए? ये हमारे जो है 12,654 18 से 19 वर्ष के बीच के मतदाता हैं और 80 वर्ष से अधिक के 3,793 मतदाता हैं।